वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी गौरव चौहान। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की विवा सोशल साइंस की सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। और आज हम इसमें देखने वाले हैं अपनी बुक एक्सरसाइज में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, कि बेटा इनमें से कौन सा लिथोस्फीयर का पार्ट है। ए ऑप्शन है हमारा रॉक्स, बी है प्लेट्यू, सी है ओशियन और डी है हमारा माउंटेन। तो लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है। ग्रेविटी, बी नाइट्रोजन, सी इको सिस्टम, डी बायोस्फियर। तो इसका क्या ऑप्शन होगा हमारा, देखते हैं। डेट इज़ ऑप्शन बी नाइट्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच फोर्स होल्ड्स द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेविटी, बी वेलोसिटी, सी अट्रैक्शन एंड डी स्टेशनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, द ग्रेट वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज। ए ऑप्शन है बायोलॉजी, बी बायोस्फेयर, सी बायोडाइवर्सिटी और डी None of these। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैमेज टू इन्वायरमेंट कॉजेस, कि इनमें से कौन से इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मफुल इफेक्ट करता है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑप्शन डी दैट इज फार्मिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, जिसमें फर्स्ट फिलअप है हमारा डैश एंड डैश आर द टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स के दो कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज द लिथोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर द कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फूड, कि इनमें से कौन है कि जो अपने फूड को खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉप्स, और ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, कि वो कौन सा एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट फिलअप है हमारा, डैश इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इको सिस्टम इज फॉर्म्ड due to the interaction of all living organism with each other and their physical environment, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिलिप्स का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है, और सी पार्ट जो है डेट इज़ ट्रू और फॉल्स का जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, और जिसमें हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये है, मैनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एग्जिस्ट इन द हाइड्रोस्फीयर, डेट इज़ ट्रू और फॉल्स, क्या होगा इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है डेट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आता है हमारा, द एटमोसफियर कंटेन एयर्स डस्ट एंड वाटर वेपर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर डैट इज ट्रू। एटमोसफियर में जो है एयर, डस्ट और वाटर वेपर तीनों ही क्या है ये अवेलेबल यानी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हेटरोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि हेटरोट्रॉप्स जो है क्या वो अपना फूड खुद ही इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं डैट दे आर डिपेंड्स ऑन द अदर्स। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम इज द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट, देखिए तो इसका क्या करेक्ट हमारा आंसर होगा दैट इज ट्रू। द इकोसिस्टम इज द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा, द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने अपने MCQ पार्ट में भी MCQ पार्ट फिलअप और ट्रू फॉल्स को हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है डैट इज़ मैच द कॉलम, यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, मैचिंग करानी है। तो जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी में हमें जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कॉलम ए में बायोस्फीयर, इकोलॉजिकल बैलेंस, एटमॉस्फियर, मैन मेड इन्वायरमेंट और एयर पॉल्यूशन है, और बी में ऑप्शन ए वाटर, बी विलेज, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी और ई है हमारा लिविंग वर्ल्ड। तो देखते हैं सबसे पहले बायोस्फीयर का जो मैचिंग होगी डैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, इकोलॉजिकल बैलेंस का होगा डैट इज़ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एटमॉस्फेयर का होगा वाटर वेपर, मैन मेड इन्वायरमेंट डैट इज़ विलेज एंड एयर पॉल्यूशन इट गिव्स और इंक्रीज दी और रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे हमने एरोस की फॉर्म में हमने आपको शो कर रखा है और यहाँ पे हमने आपको जो है नंबर्स की फॉर्म में हमने आपको इसमें शो कर रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है
दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स, कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या कंसिस्ट करते हैं। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स बायोटिक का मतलब होता है मीन्स विच कंटेन द लिविंग थिंग्स, कि जहाँ पे जितनी भी जीवित चीज़ होती है उनको कंसिस्ट किया जाता है। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, द बायोटिक और द बायोलॉजिकल कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज वट डू ए बायोटिक कॉम्पोनेंट कंसिस्ट ऑफ, कि ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या कंसिस्ट करते हैं। ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और फिजिकल कॉम्पोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैट इज लिस्ट द रिलायंस ऑफ द अर्थ, ठीक है तो कौन कौन सी हैं अर्थ की रिलायंस मीन्स पार्ट्स क्या है। फर्स्ट देयर आर द फोर डोमेन्स और रिलायंस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। दैट इज लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर द वाटर बॉडीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, एटमोस्फीयर द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस एंड द बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट डज द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस, कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो क्या मिलके बनता है। दैट इट कंसिस्टिंग द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर लाइक सॉलिड इन आइस फॉर्म, लिक्विड इन वाटर फॉर्म, गैस इन वाटर फॉर्म और वाटर वेपर फॉर्म, एंड इट ऑल्सो कंप्राइज ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर टुगेदर टू फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट वॉट इज एन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है। एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंट्रैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, दिस इंक्लूड्स ऑल द लिविंग विथ मीन्स बायोटिक एंड नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एरिया विच आर फंक्शनिंग टूगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर के क्या सिग्निफिकेंस है। इट गिव्स अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू अस, हाउ, लेट अस सी। इट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स, इट प्रोवाइड द लैंड ऑन विच वी लिव्स एंड बिल्ड आवर होम, इट प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल मिनरल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, आयरन और एटसेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, कि हाइड्रोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये क्यों जरूरी होता है। फर्स्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, फर्स्ट इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पज, इट हेल्प्स इन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेज लाइक प्रोडक्शन, मैनुफैक्चरिंग और कूलिंग ऑल्सो, वाटर नेविगेशन हेल्प्स बूस्ट ट्रेड्स एंड कॉमर्स, ocean provide us with food and minerals, and water bodies moderate the climate of a place also. So these are the certain importance points that due to which the hydrosphere are very important for all of us. Next question hai hamara, write a short note on the biosphere, ki hame jo hai biosphere pe ek short note jo hai wo likhna hai. See, a narrow zone on the earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meets is called biosphere. The biosphere consists of living beings ranging from microscopic organisms to huge trees, animals and the humans. This great variety of life on earth is termed as biodiversity. The two major elements of the biosphere are producer and consumer. ठीक है, next है हमारा again the differentiate between the autotrophs and the heterotrophs. हमें जो है autotrophs और heterotrophs के बीच में क्या करना है, इनके बीच में difference लिखना है. तो देखिए क्या आता है हमारा differences. The producer or the autotrophs are also called as autotrophs. They are capable of producing food from the environment. They are independent. For example, plants. Or heterotrophs mein kya hai? The consumers are called as the heterotrophs. They are not capable of producing food. They are depend on producer for their food. For example, animals or human being. ठीक है. Next question है बेटा हमारा. What are the consequences of harming the environment? ठीक है कि इन्वायरमेंट को हार्म करने से क्या उसके परिणाम या क्या उसके नतीजे होते हैं. फर्स्ट द इन्वायरमेंटल हार्म कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, फिशरीज एंड द फ्रेश वाटर लीड टू डिप्लीशन. क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे बेटा ख़त्म हो रही है, एंड ड्यू टू द दिस रिजल्ट इन द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है, इसी के साथ हमने अपने शॉर्ट आंसर टाइप को फिनिश किया, और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस. ठीक है,
इन एवरी इको सिस्टम देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स. दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस. दिस बैलेंस इज कैरेक्टराइज बाई द मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द अदर इकोलॉजिकल प्रोसेस एट द वेरियस लेवल विच सपोर्ट्स ऑल ओवर द हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ द इको सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्मॉल पॉन्ड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, इंसेक्ट्स एंड फिश, दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो देयर फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक वाटर एंड सनलाइट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ह्यूमन इन्वायरमेंट इन डिटेल. इट रेफर्स टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाई मैंस लाइक रोड, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस. इट ऑल्सो रेफर्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज विच इंक्लूड्स माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग टू. The human environments include both the natural environment such as land, water and air and the biodiversity. It helps in the invention of wheels, machine which made the transportation and the production of goods product more profitably. Third question hai hamara, describe the effect of human activity on the environment. Ab dekhiye is jo last question tha hamara, theek hai, jisme usne humse pucha tha ki that describe the ह्यूमन इन्वायरमेंट इन डिटेल. और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेट वॉट आर द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन फॉलोइंग रीजन्स. फर्स्ट, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच अनडिटरमाइन द इको सिस्टम रेजिलेंस एंड इको सिस्टम सर्विसेज. पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन पॉज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी. डिफॉरेस्टेशन लीड टू हैबिटेट लॉस, सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज. ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, फिशरीज एंड फ्रेश वाटर. और लास्ट पॉइंट कहते हैं, वेस्ट जनरेशन एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड हार्मफुल वाइल्ड लाइफ. ठीक है, इसी के साथ हमने अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को फिनिश किया और हम आगे बढ़ते हैं डेट इज हाई ऑर्डर थिंग स्किल्स क्वेश्चन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं हॉर्स. और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Why were early humans able to fulfill their needs without harming the environment? कि पहले के समय में जो humans थे, जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, वो अपनी needs को fulfill कर लेते थे बिना environment, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए. ठीक है, these are again the certain points. The early human population were small, putting less pressure on natural resources. Second point, they relied on hunting, gathering and fishing which had a lower impact on the environment. Third पॉइंट है हमारा, टेक्नोलॉजी वॉज लिमिटेड टू सिंपल टूल्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स कॉजिंग मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेजेस. फोर्थ पॉइंट, मैनी अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स वर नोमैडिक, मूविंग विद द सीजन एंड अलाउइंग इकोसिस्टम टू रिकवर. फिफ्थ है, दे प्रैक्टिस सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट सच एज सेलेक्टिव हंटिंग एंड कंट्रोलिंग द बर्निंग. फिफ्थ है, सिक्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स, That is, early human had a close spiritual and cultural connection to nature, foresting respect for the environment. कि पहले जो थे हम अपने पर्यावरण, अपने फॉरेस्ट की क्या करते थे, रिस्पेक्ट भी हम उसकी करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है, दे वर पार्ट ऑफ अ बैलेंस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड इन टू द नेचुरल प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा जो हॉर्स क्वेश्चन है क्या है, थिंक एंड राइट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए उनके क्या प्रभाव हमारे ऊपर या प्रकृति के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर हुए हैं. देखिए क्या इसका आंसर है, लेट अस सी. फर्स्ट, द ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल, द टेक्नोलॉजी कैन लीड टू पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज. सेकेंड, ऑन सोशल इनइक्वालिटी, नॉट एवरी वन हैज़ इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी लीडिंग टू डिसपार्टीज इन अपॉर्चुनिटीज. थर्ड, हेल्थ इफेक्ट्स, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल एडिक्शन कैन इम्पैक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स ग्लोबलाइजेशन बट कैन ऑल्सो लीड टू कल्चरल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज और ह्यूमनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. फिफ्थ, वाइल्ड टेक्नोलॉजी कैन एड्रेस सस्टेनेबिलिटी इशू, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू रिसोर्स कंजम्पशन एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है अपने क्लास सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर जो है आवर एनवायरनमेंट वीवा पब्लिकेशन के इसकी बुक एक्सरसाइज को हमने फिनिश किया. ठीक है, तो बेटा अब हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपको जो हमारा जो ये कंटेंट है वो कैसे लगा. और अब इसके अलावा अगर आप किसी और पब्लिकेशन के कंटेंट की भी अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के उसको ज़रूर बताएँ. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. ठीक है, टाटा.